पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि आज के दौर में वैसे ही इतनी भाग दौड़ है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, और जब पता चल जाता है कि हमारे मिलने वाला, हमारे देखने वाला इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हम कौन सा, वो अब हमें देख रहा है, या हम जाएँ और किसके साथ जाके बात करेंगे, या हमारे लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखता। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी अच्छे इंसान, अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनका सबूत आप सब यहाँ पे तशरीफ़ आवरी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जो आज हम लोगों ने इतने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और जिनके लिए आज हम यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, शेख अजीज़ साहब, जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि नहायत ही इंसानियत के अगर कहा जाए कि पैकर, तो वो थे। जितनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी थी, जितनी अच्छी तरीके से वो गुफ्तगू करते थे, अभी कुछ देर पहले ही, ज़्यादा देर भी नहीं होगी, बात के लिए, उनकी मफरत के लिए आप सब 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी और सूरत इखलास। ज़रा प्लीज़ अजीज़ साहब, ज़रा हाँ यहाँ आइए और सलाम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बार बार आपको इसलिए कहूँगी क्योंकि वाकई आज मुझे सबसे खुशी ये हो आपके लिए यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। हमारे बहुत ही होनहार से बच्चे हैं जो हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, तो अभी भी वही आज के प्रोग्राम का इब्तिदा जो है तबादला कुरान पाक से करेंगे। हसन इकबाल से आखिर सबसे हाथ सुना रहे हैं, हेलो भाई, एक तूफानी दौरा होता था, उसका हर हाल
तीनों बालों में चक्कर लग रहा है ऊपर नीचे, जैसे एक हवा ठंडी ठंडे छोड़ के चले जाते थे। वो हर मैसेज में म्यूजिकल मैसेज हो, सियासी जलसा हो, वकीलों की कोई तकलीफ हो, वो हर जगह पर। और अमर जयेश शख्सियत के मालिक थे, वो शहर में भी शिरकत करते, वो बम्बे में भी कर लेते, अदाकारी भी कर लेते, सियासी जलसों भी कर में पेश पेश नजर आता है। सबसे बड़ी मिसाल एक दोस्तियाँ उसने ऐसी बनाई कि कहीं जैसा दोस्त उन्हें भी असर आया, ये अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों को नसीब करे। उन्होंने रास्ते में उसको काम कर स्टेट लगाई, बल्कि खुद भी हॉस्पिटल गया, साथ अपने बंदों की ड्यूटी लगाई कि इनके सर पे हर कब रहना, और उन दोस्तों ने मिलकर उनकी इजाजत दी। वहाँ पर उनको रटका जिस मुद्रा उनको हार्ट अटैक पूरी तरह हो चुका था, और वहीं उन्होंने जान अल्लाह ताला दे दी। इन्हें अल्लाह ने अपना लहरा दी, अल्लाह ताला उनको सब फरमाए। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी, क्योंकि जो बातें मैं इतनी देर से पूछना चाह रही थी, ऐसा कौन सा दुख या तकलीफ थी कि वो बर्दाश्त से बाहर थी जो हार्ट अटैक का बाइस बनी। तो जो उनके साथ थे, उनके दरीना दोस्त थे जो हमेशा उनका साथ रहते थे या डेली मुलाकात थी, तो मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगी कि वो आई और इजहार ख्याल भी करें, और थोड़ी सी हमें जो उसके बारे में मालूम है वो भी फराम करें। करीम शाह साहब से रिक्वेस्ट कर रही कि वो पिछले जुमे का वाक्य है मेरे पास, अजीज शेख साहब खुशी सुनाए पसीने में इशारा भूल, मेरा ख्याल एयरपोर्ट से पैदल प्रार्थना रोड पे आए, तो उधर मेरे लड़कों ने उनको पानी शानी पिलाया, वे आए चल के हमारे वहाँ के आते आते कोई दोस्त बाप आ जाए मान आ जाए, तो फिर जो लड़कियाँ हैं तो इसके साथ ही मैं हसीन पाशा साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आएं और अपना इजहार ख्याल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो भी आया है उसको जाना है, आज का इतनिया बहाना है, बाजे सरसर के चंद छोंकों से सूखे पत्तों को टूट जाना है, बाद में जन्नत और जहन्नुम है, पहले तो खाक ही में जाना है, किसकी बन आई है यहाँ पे हसीन, जो भी आया है उसको जाना है। अजीज शेख मेरे पास आते थे अलहमरा में, ड्रामा करता हूँ 3 नंबर में, तो वो जो पहले बात बताई यानी तहरा नहीं, कि इतने शरीफ उल्लफ से इंसान थे कि सीढ़ियों पर बैठ जाया करते थे आके, और पूरा ड्रामा देखते थे कि मैं कहूँगी ना कि सीढ़ी पर आ जाए तो इशारा करते थे कि नहीं मैं ठीक हूँ। उनके बारे में मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके पास कुछ ना कुछ वाकियात ज़रूर होंगी, सबके पास जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो उसका इजहार ख्याल भी करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे नजर आती है मरने वालों के लिए, एक तो ये कि ये जो सडन डेथ होती है, अचानक मौत जो होती है, ये शहादत के करीब तरीन होती है। हम लोग यही दुआ करते हैं, हमारे बुजुर्ग यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें चलता फिरता ले जाए, और यूँ ही वो चलते फिरते हंसते खेलते हमें हमारे हाथों से निकल गए। इलावा ताहिर काजी का एक मैं लेक्चर सुन रहा था जिसका लुबे लुबा गया था कि आप अगर जिंदगी में दुनिया में तवील उम्र चाहते हो तो अपने मरने वालों के लिए कलाम पाक पढ़कर भेजा करो। जब आप कलाम पाक पढ़कर अपने मरने वालों को भेजते हैं तो फरिश्ते सोने चांदियों की तश्तियों में रख कर उनको पेश करते हैं कि ये दुनिया से आपके अहम बाप ने भेजा है, और चूँकि वो आलम अरवाह में होते हैं तो खुदा के करीब करीब होते हैं, तो बड़े खुश होते हैं और वहाँ दुआ करते हैं परवरदिगार से जो दुनिया से मुझे कलाम पाक भेज रहा है इसकी उम्र तवील कर दे ताकि ये मुझे यूँ ही कलाम पाक भेजते रहे। उसकी मिसाल देते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपका कोई बेटा या भाई अमेरिका में गया हो तो आप उसको डॉलर भेज रहा हो तो आप कहते हैं वो ठीक है यार ठीक ही किया है। तो मेरी भी यही गुजारिश है कि उनकी बातें होती रहेंगी, बोलना चाहे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। जब आप मरने वालों के लिए फातिहा पढ़ें तो अजीज शेख का नाम भी शामिल कर लिया कीजिए उसमें। अजीज़ साहब आपने बड़ा अच्छा किया, अजीज को मिले अजीज का कर लंबे हाथ, आपने हक निभाया और आपने यहाँ के आनी तहरा सबका शुक्रिया अदा करें जी, आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी आत्मा सवारी है यहाँ पर आके, कल को आप भी इसी तरह लोग आपके नाम पर शामिल होंगे। जब जनाजे में हम जाते हैं थोड़ा चलते हुए कंधा दे देते हैं, हम मरने वाले का एहसान नहीं करते, हम असल में अपनी आत्मा सवार रहे होते हैं। आज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कल को लोग भी हमारे लिए आएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की आला मुकाम बता। ये जन्नत की ही खुशखबरी है कि जब नाम लिया जाए उनके लिए, सारे यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए दिल से दुआ निकल रही है और बाहर बारिश हो रही है, तो इसका मतलब हम जो बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं वो यही है कि दुआएं कबूल हो गई और रहमत की बारिश आ गई बाहर।
तो इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी इज़हार ख्याल के लिए सादिक प्रोफेसर मशहूर अहमद सदीकी साहब, प्रोफेसर तेबियात सिंह कॉलेज के। आज ये आशियाना कितना उदास है, यहाँ पर जितनी शख्सियत बैठी हुई है तशरीफ़ फरमा है, उनके दिलों को उनके चेहरे का उनका एहसास जो है उनके चेहरों से हो रहा है कि वो अजीज शेख के साथ कितना प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी दोस्ती थी। यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स जो है वो एक दास्तान है और उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं शेख अजीज साहब के साथ वाबस्ता, तो वो मोहब्बत तो कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक अलामत है ताकत की भी और मोहब्बत की भी। आज इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो टॉलरेंस की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी वहादत को और कौमी सालमियत को इकट्ठा कर सकें। यकीनन शेख अजीज साहब की जब शख्सियत हमारे सामने आती है तो ये मोहब्बत का दर्स हमारे सामने आ जाता है, और मैं इन्हीं ख्याल के साथ आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए और उनके दर्जात को जन्नत फिरदौस में हमेशा बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी, वो भी उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जिनसे पूछेंगे कि वो भी शेख अजीज़ साहब के बारे में, उनकी मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे। तो प्रोफेसर इरफान अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जहाँ तशरीफ़ लेकर आए। काफ़ी बातें हो गई हैं जी शेख साहब के बारे में और टाइम भी काफ़ी हो गया। मैं सबसे सी बात करूँगा कि वो बड़े दोस्त नवाज बंदे थे और मिलने जुलने वाले थे और हर एक के साथ अच्छे तरीके से मिलते थे, तो मजलिसी आदमी थे और इतफाक से उनकी डेथ भी मजलिस हुई। उस दिन मैं नहीं गया था, और हर जुम्मे को हम इकट्ठे होते हैं, उस दिन मैं नहीं गया था, लेकिन मुझे फिर उन्होंने फ़ोन से सारी कुछ बता दी, तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर रात तक फिर बारह में हम गए थे, और बातें आप होती रहें कि आगे भी अल्लाह उन पर जवाब रहमत कर देता है। बहुत शुक्रिया। ये उनका प्यार है जो अल्फाज वो अदा ही नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ प्यार कुछ दिल में ऐसे होते हैं जिनका इजहार नहीं होता, वो दिल में ही रह जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी कि वो भी आपके स्टेज पर आएं और इजहार ख्याल पेश करें, गफार लहरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तेरी ज़ात पाक है किबरिया, तेरी ज़ात पाक है किबरिया, तेरी शान जल्ला जलालहू, असलाम सब्ज़ गुंबद के मुकीम, असलाम रहमत लिलआलमीन, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने लौट के वापस जाना है, और जो इंसान दुनिया में आया एक दिन जाना है, वो अजीज़ शेख के बारे में बहुत बात नहीं है, मेरे पास तो इसके अल्फाज नहीं हैं, वो तो खुद एक अल्फाज का एक गुलदस्ता थे जिनका नाम अजीज़ शेख था। वो बड़ा मुखलिस था, बड़ा प्यार करने वाला, हम लोग बहुत हज़ारों लाखों शो में इकट्ठे किए हैं, और ये उनकी जो कमी है वो पूरी ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि जब इंसान दुनिया से जाता वो सिर्फ मुंतकिल हुआ है, दुनिया से मुंतकिल का बस एक जगह से दूसरी जगह, अब वो ज़िंदा है, अब वो दूसरी जहाँ में है, अब वो सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहेगा, ये एक मगर वो हमारे में मौजूद है। और देख लिखते हैं कि मैं तो ये चाहूँगा कि एक जमाते वाले लिखता है कि कोई दिन ऐसा था कि हम भी थे तुम्हारी तरह, कोई दिन ऐसा था कि हम भी थे तुम्हारी तरह, कोई दिन ऐसा आएगा कि तुम भी होगे मेरी तरह। ऐ जाने वाले फातिहा पढ़ते जाना खुदा के वास्ते, ऐ जाने वाले पढ़ते जाना फातिहा खुदा के वास्ते, एक दिन तू भी तरसेगा इस दुआ के वास्ते। जो उनके लिए ये दुआएं की गई हैं ये इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तो फिर जब पहुँच चुकी हैं, वो जन्नत व फिरदौस में आला सारा उन्हें मुकाम अता फरमाया, वो है जल्दी आदमी थे, वो एक खूबसूरत के शेर के, एक दिन मट्टी से मट्टी हमने होना है, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बदले बदले, हम लोग अना नहीं जा रहे अक्कड़ नहीं जा रहे, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले,
अज तू मिट्टी के उत्ते बंदिया कल मिट्टी के थले। दोस्तों जिंदगी में याद रखिएगा, कभी किसी को डिगर मत कीजिएगा। पंजाबी के फिर शेर याद आ गया, मेरा अपना कोई शेर नहीं, लोगों को मैं याद कर दूँ जो मुझे अच्छा लगे मैं याद कर लेता हूँ कि कभी किसी को रद्द ना करिए, अपने आप को वध ना करिए। कभी किसी को रद्द ना करिए, अपने आप को वध ना करिए। जिथों हर कोई नीवा लगे इन्ना उच्चा कद ना करिए। मेरे दोस्तों जिंदगी एक सफर है, दुआ करो अच्छा गुजर जाए। तो मेरी यही ये दुआ है कि अजीज शेर साहब के जो जो कमी है पूरी जिंदगी नहीं पूरी हो सकती। मैं सारी जिंदगी उनके लिए बात करता रहा हूँ, जब 42 साल हो गए काम करते, मगर आज फिर मेरा पहला दिन है। मैं रोजाना चेहता हूँ लोगों से, बड़ों से, हाँ मेरे बड़े काबिल रिस्पेक्ट बने, हमारी सबकी दुआ के अल्लाह ताला ने कब्र में जन्नत फिरदौस में और आला सारा मकाम तक। आमीन सुभान। मैं बुलाना चाहूँगी क्योंकि वैसे तो मैंने उनको इतना ज़्यादा बोलते हुए कभी देखा नहीं है, तो लेकिन आज उनकी मोहब्बत है कि वो यहाँ पे स्टेज पर आएंगे। इजाज़ फिरोज़ साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम खवातीन, मैं शेख अजीज साहब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने जवाहर रहमान खास जगह अदा फरमाए और उनके दर्जात को बढ़ाए। कंसल्टेंसी अजीज साहब और हैनी तहरा साहब, इन्होंने ये ताज़ियती रेफरेंस मरकत करके एक अच्छी रवायत का आगाज़ किया और इसको आगे बढ़ाया। देखिए हम लोग अगर आज जाने वाले को याद नहीं करेंगे ना, तो कल को हमें भी कोई नहीं याद करेगा। ये ताज़ियती रेफरेंस इतना अहम, इसकी मैं अहमियत को जहाँ तक अजीज शेख साहब का तल्लुक है तो वो मेरी जुबान के वो लोगों को इज्जत देना चाहते थे और आप इस बात की तहरीर कर रहे हैं बहुत सारे दोस्त, और रिस्पेक्ट अदर्स फॉर रिस्पेक्ट यूर सेल्फ, फॉर रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करता है। वो इस वजह से बामी रूस पर बैठे हुए थे, कंपेनिंग की मेराज पर बैठे हुए थे कि वो दूसरे लोगों को इतनी इज्जत दे देते थे कि लोग बुरा बुरा के कहते थे कि हमारे प्रोग्राम की कंपेनिंग करो। बहरहाल मुझे बहुत सी दुआएं देनी है आप लोगों को साथ मिलाकर, हमने इस तहजीबी रेफरेंस में बहुत सी दुआएं देनी है और उनके मकफर उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए हमेशा उनके लिए दुआ कर रहे हैं। एंड कभी नहीं भूल पाऊंगा, आप भी कभी नहीं भूल पाएंगे, और लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ रहेंगी। आप कवर अब्दुल माजिद साहब अगर सर प्लीज। 16 अप्रैल में इलम के चिराग बुझ गए, तो शेख साहब के दोस्तों के बारे में मैंने लिखा था उसमें, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। 16 अप्रैल का है अखबार, तो जो दोस्त है ना इनके, उनका बारे में मैंने लिखा है, तो आप उसकी फोटो कापी बना दें और पढ़ लें। तो मैंने ये सब थोड़ी सी बात कर ली। मोहतरम आरिफ साहब जिसके अच्छे हैं, उन्होंने फेसबुक पर अजीज शेख की वफात की खबर तस्वीर खूबसूरत लगाई। यहाँ बैठे हुए थे, मुझे यकीन नहीं आया, अभी कल ही तो अलकरा में मुलाकात हुई थी, क्या हुआ? वो बीमार भी नहीं थे, पता चला अचानक तबीयत खराब हुई, अस्पताल गए, फिर कब्रिस्तान, आखिरी आरामगाह। हमसे पहले लोग चले गए, इससे पहले अखबार 16 अप्रैल में काल फिलन के चराग बुझ गए लिखा, इसमें दरिश्ता 2 सालों में जो दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए उनका जिक्र किया। शामी साहब का शुक्रिया, उन्होंने अखबार में जगह दी। 2017 में बड़े सगीर के मशहूर गुलकार, ज़रा तवज्जो चाहिए, 2017 में मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी की याद में अलहमरा आदमी बैठक में प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसकी कंपेयरिंग अजीज शेख ने नरम लहजा और खूबसूरत बात में सर अंजाम दी। अखबार ने नुमाया जगह शाया की, इसकी फ़ोटो कापी शेख साहब को दी, बहुत खुश हुए। इस तरह उनका अहतमान बढ़ता गया। दूसरी बार 2018 में मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने टीम का इंतजाम किया, जिसमें कैप्टन अता मोहम्मद खान का खसूसी ताउन हासिल रहा। वो परवाह में वक्त निकाल कर आए,
जिस यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकबाल शायर, डॉक्टर सादत सईद, मुजफ्फर सलीम बैलू वकील हाईकोर्ट, दिगर मेहमान गिरामी तशरीफ लाए। बस थोड़ा सा कंपेरिंग में अजीज शेख अल्फाज के फूल पेश करते रहे और फनकार मेहमानों को अवार्ड देने का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। आखिर में मैंने गीत की फरमाइश की, सुहानी रात ढल चुकी न जाने कि तुम कब आओगे। इसके बाद महफिल ख़त्म हुई। इस शानदार प्रोग्राम की गूंज आज भी सुनाई देती है। अजीज शेख को मैंने कभी गुस्से की हालत में नहीं देखा। नजीब अहमद से अक्सर नोक झोंक हो जाती थी, सियासी गुफ्तगू होती, शेख साहब ने थोड़ा चिढ़ा लेते, फिर नजीब साहब का गुस्सा और प्यार की गालियाँ भी मेरे सामने सुननी पड़ती। सोफे पर लेटे लेटे कहते, तू खा के आया मेरी ये पसली निकल आई है। चुनाचे जनाब बाग के पास उठानों से होटल में खाना लाता, फिर सब मिलकर खाते, जिससे बरकत में इजाफा होता। ये दिन रहने लगे। इस तरह हमारी दोस्ती का सफ़र, यह जुमला नोट कीजिएगा, थोड़ा सुनिए अलहद। इस तरह हमारी दोस्ती का सफ़र बाद बाद जहाज की तरह समुद्र पर चढ़ने लगा, मगर किसे मालूम था फरिश्ते अजल भी अपना काम कर रहा है। फिर अचानक पता चला हमारा करीबी साथी हमसे जुदा हो गया है। अल्लाह ताला महबूब को जन्नत फरदोस में जगह दे और लायकीन को सब्र जमील अदा करें। शुक्रिया। बुलाना चाहूँगी डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब से। बहुत शुक्रिया। बहुत ये अब समझ नहीं आ रही कि मुख्तसर अल्फाज में इजहार ख्याल करने के लिए अजीज शेख की मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। इसलिए कि मेरी उसकी 30 साल की रफाकत है और बहुत एक लंबे अरसे तक मैंने एक दो कालम भी लिखे थे उसकी ज़ात के हवाले से, भी बहुत पुरानी बात है। अजीज शेख एक तो उसकी ज़ात है और एक वो किरदार है। ऐसे हमारे दोस्त ने एक शेर कहे थे कि सितारा टूट गिरे रोशनी बिखर जाए, खुदा को वक्त न लाए कि दोस्त मर जाए, और मैं रास्ता हूँ मेरा दोस्त एक दरिया है, रुका रहूँ मैं और वो गुजर गया। वो लोग अजीब हैं कि चलो हम किसी का कोई फायदा अगर नहीं भी कर सकते तो कम अज कम रुकू हारे को पता था कि आया तो ये मुखलिस है। ना उसने कभी फोन नंबर बदला, ना उसने किसी के को धोखा दिया, ना उसने किसी से फ्रॉड किया, ना वो किसी का इस तरह से मुताजरा, तो वो बहुत मगर उसके बारे में सिर्फ मैं ही बात करना चाहता तो मैं हमारे पास उसकी फ्रेंडों की 30 साल की बहुत लंबी रफाकत होती है, हम बहुत बातें कर सकते हैं। लेकिन उसका हमसे बिछड़ना ऐसे है कि जैसे हम खुद अपने आप से बिछड़ते हैं। बहुत से दोस्त हैं जिनके बिछड़ने का हमें इस तरह से हम है, अफसोस है और दुख है। तो अल्लाह ताला बहुत सी बातें, चलो मैं अपने क्लब में किसी वक्त इसका रेफरेंस रखूँ जहाँ हम बहुत सी बातें भी करें, सारे दोस्तों को लाओ भी देते हैं, उसको परहेज करते हैं इंशाल्लाह। तो उसके लिए फिर वो सारा खाने पीने का खत्म का इंतजाम भी करते हैं, करना भी चाहिए, बहुत वक्त गुजरा है। तो अल्लाह ताला उसको उसके दर्जा बुलंद करे। तो मेरे हाथों में मैं उसकी अदरक जब दिया था, मेरे हाथ में उसने दम तोड़ा है, मैं वहीं पे बैठा था, उसको तसल्ली दे रहा था, उसके सर में हाथ फेर रहा था और उसी से हमने उसको बुलाया था कहा इकट्ठा खाना खाते हैं। फिर हमारे दोस्त आप गया सारे वहाँ पे हॉस्पिटल में, जब गया तो वो बंदा जो गया था वो धाड़े मार मार तोड़ने का था, वो चला गया। तो उसको तो काम से भी ज़्यादा एहसास था। तो अल्लाह ताला उसके दर्जात में मैं बैठा हूँ, मैं बहुत ही उनका अफसोस है। तो आप तो चूँकि जानते नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल अपनी शख्सियत उससे घर से रहता रखा हुआ था। तो की बातों से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि बाकी 30 साल का एक दूसरे के साथ दोस्ताना मिलना जुलना और वो बातें बेतहाशा जिसका इजहार एक छोटी सी टाइमिंग में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मैं इजहार ख्याल के लिए साई इमरान से कहूँगी कि वो भी यहाँ पे तशरीफ ले कर اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اس درود کے صدقے میں شیخ صاحب کو جنت فردوس میں اعلی مقام دے شیخ صاحب ایک عظیم آدمی تھے
हमारी महफिल हमारी अनामरा की वो जान थे। और यकीन करें जब उनका सुना था कि फौत हो गया तो दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो एक दिन पहले हमारे पास कंटीन पर बैठे हुए हैं। लेकिन शेख अजीज एक ऐसा इंसान है, चाहे वो दुनिया से चला गया है, ता क्यों तक वो बंदा अपनी इंसानियत दुनिया को, लोगों को, दोस्तों को बता के गया कि वो कितना अजीम और कितना अच्छा इंसान था। वो बहुत नरम दिल आदमी, बहुत प्यार वाला आदमी था। अल्लाह पाक से जन्नत में घर दे और उनके बच्चों को सबरे के बैठ दे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजहारे ख्याल के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कमल फरोज साहब से। साथियों में सोचे और ये अजमी बैठक अब तो सिर्फ इजलास के लिए इस्तेमाल होती है, ये सुलेमान ताशीर से कहकर हमने अदीबों और शायरों की नशस्त को बर्खास्त के लिए। तो अजीज शेख उस वक़्त से हमारे साथ थे, हर मामले में वो हमारे साथ होते थे और वो हम जहद शख्सियत थे, उनमें बहुत सी, वो शायर भी थे, अदीब भी थे, गुलूकार भी थे, यानी जिसे कहते हैं ना हम जहद शख्सियत। तो हम उनको आज सराज तस्वीर पेश करते हैं और दुआ करती हैं कि खुदा उनको अपने पुरब में जगह दे। और मैं समझता हूँ कि वो उनकी यादें हम कभी अपने दिल से बहुत शुक्रिया। और अब लास्ट में मैं बुलाना चाहूँगी, क्योंकि हम तो सिर्फ दोस्त थे और हमें इतनी तकलीफ है और जिनके सर पे साया उठ जाए बाप का, उसके वक्त दिल पे क्या बीत रही होगी या वो उस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा होगा, वो वही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उनके लिए और जाने वाले के लिए सिर्फ दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके बेटे को और उनकी पूरी फैमिली को सबर दे। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ भी आए और अपने वालिदैन के बारे में बताएं कि उनके वालिद जो हैं कि वो कैसे वालिद थे, उनसे कितना प्यार करते थे, वो कितने किस तरह के शफीक थे, मारने वाले थे, वो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे कि वो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे। तो आपको बुलाना चाहूँगी उस्मान साहब, आप प्लीज तशरीफ ले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का, अलहमरा का, क्लीम साहब का, अजीज़ साहब का, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही उन्हें अपनी दुआओं में और अपनी बातों में याद रखिएगा। और रही बात उनकी बातों की, बातें बहुत सारी हैं मगर मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सी बात आपको बताऊँ उनकी। बस यही बताऊँगा कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से वालदैन करते हैं, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हमारे लिए। और मैं दिल से उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला भी ऐसे उनके लिए अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें। इसके साथ ही आखिर में दुआए खैर के लिए मैं जनाब वहीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए। असल में गुज़श्ता दिनों मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी तो हमारे को बहुत अच्छे साथी थे, कदीर गुलशन साहब बड़े अच्छे सिंगर थे, दोस्त हमारे सारे जानते हैं, तो उनके सारे सवाब के लिए भी मतलब दुआ कर दीजिएगा दोनों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई ने बड़े कम वक्त में, क्योंकि वक्त कलील था, अपने वालिद के बारे में बताया। इनकी तरफ से एक मैं बात कर देता हूँ कि जो इनका दिल कह रहा है वो ये है कि सुने कौन किस्सा ये दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्सा ये दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है। है कमी तो बस मेरे यार की जो तहे मजार चला गया। आमीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व तहीब यदादे कुल्ली मुल्क अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या क़य्यूम। या रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हमारा मिल बैठना,
यहाँ इकट्ठे हो जाना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। कबीर मुर्शिद साहब गाते थे, रफ़ी साहब बड़ा अच्छा करते थे, मुझे अभी भी पता चला है कि वो भी दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। पाक परवरदिगार आलम जो पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। 21 कुरान पाक शेख अजीज़ साहब और जितने दोस्तों ने यहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ी है उसका सवाब कदीर गुलशन साहब। या रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमारा दिल बैठ रहा कबूल और मंजूर, इलाही अंत मक़सूद ना वरिदा का मतलूब बना देना मोहब्बत आज़ादी का उमान फ़तः सफ़ाती वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।